गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड का टैंकर पलटा, दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जौनपुर में प्रशासन का बुलडोजर चला है, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी है। शाहजहांपुर में दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, एक शख्स घायल है। डंपर चालक मौके से फरार है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र के निर्माण में एक बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंद दिया, मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में दो दिन से लापता व्यापारी का तालाब में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस हर एंगल से छानबीन में जुट गई है। यूपी के बुलंदशहर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बस से अफीम की ट्रांसपोर्टेशन करता था। और इधर 25 लाख रुपए के 120 मोबाइल फोन बरामद किए गए, चोरी किए गए थे, जिसके बाद शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। एसएसपी ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया और उनकी मोबाइल मालिकों को वापस कर दिया। और चलिए अब बात सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई लोग परेशान हुए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया था और इस वजह से कई सेक्टर्स पर प्रभाव भी पड़ा। बिल्कुल, और देखिए लोग काफी परेशान हुए, दुनिया थम सी गई। लेकिन आखिर क्या परेशानी, क्या वजह रही जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठप पड़ गया था, इसके पीछे की जो खामियां हैं उसे कंपनी ने पता लगा लिया है और उस पर अब तेजी से काम भी जारी है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन था तो क्या स्थिति, क्या हालात और क्या खामियां नजर आई है, स्पॉट के जरिए आपको दिखाते हैं। लाखों सिस्टम क्रैश हो गए। आईटी कंपनियों के ऑफिस से लेकर एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई। हजारों उड़ानें रद्द हो गई। दुनिया के कई बैंकों में लंबी लाइन लग गई। कोई घर से दूर परेशान था तो कोई घर पर ही परेशानी में आ गया था। पूरी दुनिया ठप थी। कई देशों में इमरजेंसी बैठक बुला ली गई। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने सबसे बड़े साइबर संकट का सामना किया। कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना बंद किया और अमेरिका से लेकर भारत तक पूरी दुनिया रुक गई। जो वजह सामने आई वो था माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का काम न करना। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर डाउन था। डिजिटल दुनिया पूरी तरह मैनुअल हो गई थी। इसे विश्व भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई आईटी कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। भारत में भी इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर देखा गया। एयरलाइन की चेक इन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज इससे प्रभावित हुई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर समेत देश के एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें दिखी। सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है, टिकट काउंटर से नहीं बन पा रही। जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो समय बचाने के लिए ही करते हैं। एयरपोर्ट पे आके प्रतीक्षा करना ये थोड़ी सी कड़ी बात है, लेकिन अभी हमारा देश तरक्की कर रहा है, तेजी से फिर चीज़ें चेंज भी होंगी। जो भी ये पैसेंजर की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैनुअली कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है, पैसेंजर्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, भीड़ बढ़ गई है। सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था, पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े, जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है क्या करना है। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से हड़कंप मचा था। कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो रहे थे या रिस्टार्ट हो रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे मामले पर बयान जारी किया और कहा सर्वर में आई समस्या को दूर करने का काम जारी है। शिकायतों के बाद स्थिति धीरे धीरे सही हो रही है, क्योंकि समस्या की पहचान कर ली गई थी। अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशन ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं
भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। इसका प्राइवेट सेक्टर में, जनता में, सरकार के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें ये देखना है कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसलिए हमें उस जो नियमों का हमें सही तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे भारत सरकार का विभिन्न विभागों का डेटा भारत में ही रहे और हम भारत की सर्विसेज का इस्तेमाल करें। अब ये भी समझिए कि आखिर ये क्राउड स्ट्राइक है क्या, जिससे पूरी दुनिया ठप हो गई थी। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। इस कंपनी का काम अपने क्लाइंट को हैकिंग, डेटा ब्रीच, साइबर अटैक की जानकारी देना और उसे बचाना है। इस पूरे उथल पुथल की वजह एक अपडेट को माना जा रहा है। वह इस क्राउड स्ट्राइक से पता चलता है कि दुनिया इन बड़ी कंपनियों पर कितनी निर्भर है और जब वो फेल हो जाती है तो ये हमें कितना पावरलेस बना देता है। यानी जिस तकनीक को इंसान ने अपने सहूलियत के लिए बनाया, वो तकनीक आज उसी पर हावी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर संकट कहां कहां असर पड़ा ये बताएंगे, लेकिन पॉइंटर्स की जरिए जरा समझ लेते हैं कि क्या कुछ परेशानी हुई। आईटी संकट से भारतीय एयरलाइंस पर असर पड़ा, चारों एयरलाइंस पर खासा असर। सिंगापुर एयरपोर्ट पर चेक इन में परेशानी का सामना। हांगकांग की बात करें तो एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हो गई क्योंकि सब मैनुअली करना पड़ रहा था। स्पेन की एयर सेवाओं पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश रेलवे ने सभी सेवाएं बंद कर दी, कई जो रेलवे सुविधाएं थी वो डिले हुई, लेट हुई। अमेरिका और यूरोप की बात करें तो देशों में असर पड़ा और यहां पर भी यूके की बात करें तो स्काई न्यूज का प्रसारण ठप हो गया, कई चैनल्स पर भी इसका असर पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो न्यूज चैनल पर असर पड़ा है, कई देशों में इसका असर पड़ा और डिपेंडेंसी कितनी है ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। कई जगहों पर टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हो गई, शेयर बाजार के कामकाज भी ठप हो गए और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान हुआ है। शेयर बाजार के कामकाज पर भी इसका असर पड़ा है। तो कैसे लोगों को परेशानी हुई माइक्रोसॉफ्ट के ठप होने के बाद, लेकिन अब जरा ये आपको बता देते हैं कि कौन से वो 10 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि जब सर्वर डाउन हुआ तो भारी नुकसान पहुंचा है इन 10 देशों में। खास करके अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत में भी सबसे ज्यादा असर जो है देखा गया एयरलाइंस पर। इसके अलावा अमेरिका की बात करें, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, हांगकांग, सिंगापुर, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ये वो जगह हैं। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी एयरलाइंस सर्विस को लेकर देखने को मिली क्योंकि चेक इन नहीं हो पा रहा था और यही वजह है कि लोग घंटों तक इंतजार करते रहे लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि मैनुअली तौर पर यह कोशिश की गई कि लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। इसके अलावा ना सिर्फ एयरलाइंस की बात करें, इसके अलावा भी आपको बता दें कि बाकी ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें उस पर भी लोगों को जो है काफी संकट का सामना करना पड़ा। तो कहां असर पड़ा ये आपने देख लिया। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर डाउन हो जाता है और इस क्लाउड स्ट्राइक के बाद कई जगह इसका असर पड़ा, लोग परेशान हो गए। लेकिन रूस और चीन, ये दो ऐसे देश जहां पर सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा क्यों? रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया ठप थी, कोई घर से दूर परेशान था तो कोई घर पर ही परेशानी में आ गया। लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रंग ने तहलका मचा कर रख दिया था। एक पल के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नीले रंग ने जहन में डर पैदा कर दिया था, सिस्टम खराब होने का, डेडलाइन पूरी करने का। एयरपोर्ट, बैंक, रेलवे स्टेशन पर लोग अलग जूझते रहे, लंबी कतारें और उसके बाद भी ये पता नहीं कि उड़ान भर पाएंगे या नहीं। लगभग 1.5 घंटा वेट करने के लिए बोला, फिर वेट किया हमने, फिर उधर ही बैठा रहा। फिर उसके बाद जब काउंटर में गया तो फिर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके थे वो। फिर अभी टिकट करने के लिए दोबारा या फिर बोल रहे ऑल वर्ल्ड में, मतलब सारा डाउन हो रहा है करके। दुनिया में वैसे तो आज सब कुछ ठप पड़ा था लेकिन फिर भी बहुत कुछ चल रहा था। जहाँ कई देशों में खलबली मची थी, वहीं रूस और चीन बेफिक्र थे, चैन की सांस ले रहे थे। दफ्तरों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंक, सब कुछ ठीक से काम कर रहा था जैसे बाकी दिनों में करता है। ये दोनों वो देश हैं जिनके पास अपना सर्व